अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैंने सोचा एक फ़न सी चीज़ ट्राई की जाए। ये मुझे किसी ने वाइट सॉस पास्ता भेजा था जो कि थोड़ा सा ड्राई था, मतलब शायद फ्रिज में पड़ा रहने की वजह से उसकी सॉस थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी थी। तो खैर मैंने अब क्या किया कि मैंने सोचा, टेस्ट तो खैर इसका बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करती हूँ दो डिफरेंट चिप्स के साथ, क्योंकि आजकल ये जो हॉट फ्लेमिंग चीटोज है ये बड़ा चल रहा है। इसके बारे में सोचा कि इसके साथ ट्राई करूँगी, फिर इसको ट्राई करूँगी वेवी के जो टोमेटो फ्लेवर है इसके साथ। तो सुना है कि मैंने हॉट फ्लेमिंग चीटोस के बर्गर्स भी बहुत अच्छे मैंने खाए भी हुए हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैंने कहा इसके साथ ट्राई करके देखते हैं हर चीज़ के साथ। तो एक फ़नी सी चीज़ मैंने ट्राई की, फ़न सी चीज़ मैंने कहा मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ, इन दोनों को ट्राई करते हैं। और साथ में कोक तो आपको पता है हर किसी की फेवरेट है। तो पहले मैंने हॉट फ्लेमिंग चीटोस को ट्राई किया है, और टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ ना, तो गाइस बिल्कुल 40% मुझे पसंद आया था, बल्कि पसंद का तो नाम नहीं कह सकते, बस काबिले कबूल था। तो इतना ख़ास मुझे कोई टेस्ट नहीं लगा, लेकिन खाया जा सकता है इसके साथ मिला के। ठीक है, मैं दूसरा पास्ता जो खुद बनाती हूँ वो ट्राई करूँगी, उसके साथ क्या पता ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैंने कहा शायद पहली दफ़ा टेस्ट नहीं सही आया, दूसरी दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेते हैं। फिर दोबारा चीटोस लिए, फिर दोबारा ट्राई किया मैंने, और इस दफ़ा भी गाइस मुझे टेस्ट वैसा ही लगा, लेकिन ये काबिले कबूल था, मतलब खाया जा सकता है। अगर मुझे कोई कहे कि खाओ तो मैं खा लूँगी। खैर फिर मैंने ट्राई किया ये टोमेटो वाला, मैंने कहा शायद इसके साथ ही कुछ अच्छा लग जाए, तो मैंने ये लिया और इसको पास्ते में ऐड किया और इसके साथ खाना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अब आप लोग सोच रहे होंगे शायद टोमेटो है, और कि मैं अक्सर का वाइट सॉस पास्ते पे टोमेटो केचप डाल के खाती हूँ, समटाइम मेरी वियर्ड क्रेविंग्स हैं। तो अब जब मैंने इसको ट्राई किया ना, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वा तुबूलिही, बहुत ही बुरा जो है ना वो एक्सपीरियंस था। इसके साथ तो खाया जा ही नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा शायद मेरा टेस्ट सही नहीं आया, तो मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ, अपने आप को थोड़ी सी और अजियत देती हूँ। तो दोबारा ट्राई किया तो बहुत ही बकवास, तो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ट्राई की थी, बिरयानी बहुत लेम सी बनी हुई थी हमारे घर, उसके अंदर मैंने रेड वाले कुरकुरे डाल के ट्राई किया था, वो अच्छा लगा था, इसीलिए ये आइडिया आया था मेरे माइंड में। सो कंक्लूजन ये निकला है कि फ्लेमिंग हॉट चीटोस के साथ अगर मैं वाइट सॉस पास्ता जो ये वाला है इसी तरह का ट्राई करूँगी, तो बहुत जैसे कह सकते हैं सो टेस्ट है, 40% मैं रिकमेंड कर दूँगी। लेकिन ज़्यादा बिल्कुल ऑनेस्टली में कोई अच्छा टेस्ट इसका नहीं आया, मुझे नहीं लगा। तो आप लोग भी ट्राई करें मज़े के फ्लेवर्स नए ट्राई करने में, कोई अच्छा टेस्ट अगर आपको हो सकता है मेरे टेस्ट बड्स को ये सूट नहीं किया या मुझे अच्छा नहीं लगा या मेरे टेस्ट बड्स को ये पसंद नहीं आया, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आए। तो डू लेट मी नो कि आप लोगों को कैसे डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करना पसंद है, और अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो आप लोगों ने बनाया हो और वो पसंद आया हो तो डू लेट मी नो। एक तो बात पक्की है कि जो हॉट फ्लेमिंग चीटोज़ है इसके बर्गर्स कमाल के बनते हैं, बस बनाना आना चाहिए। So guys, that's it for this video. I hope you like it and please subscribe my YouTube channel and follow me on Instagram, Beauty in Disguise by Shaheen. Apna khyal rakhiyega, Allah Hafiz.